इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र के विंध्याचल नगर में हुई पिछले दिनों 13,50,000 की व्यापारी के घर चोरी के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया है। पकड़े गए सभी आरोपी 18 से 20 साल की उम्र के हैं। अपनी अय्याशी और नशा और अपना शौक पूरा करने के लिए काफी लंबे समय से शहर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस की गश्त के दौरान आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिनके पास से धारदार हथियार भी बरामद हुए हैं। बता दें कि पिछले विगत दिनों हुई विंध्याचल नगर में अग्रवाल दंपत्ति के घर चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और 7 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से कुल 10,38,000 रुपए बरामद हुए हैं। वहीं अन्य रुपयों के लिए भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में अन्य अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई चोरी की वारदातों में भी पूछताछ की। पूछताछ में आधा दर्जन से भी अधिक वारदातों का पता चला है। पकड़े गए सभी आरोपियों से धारदार हथियार भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से अन्य और भी वारदातों के मामले से पूछताछ कर रही है। जल्द ही कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। कल रात्रि में इलाका गश्त के दौरान थाना मल्हारगंज की टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग एक गिरोह में विंध्याचल नगर पानी की टंकी के पास में इकट्ठे हुए हैं। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मल्हारगंज तथा उनकी टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर मुखबिर द्वारा बताई सूचना की तस्दीक की तो मौके पर पुलिस को 7 नवयुवक मिले, जिनको पुलिस द्वारा घेर कर रोका गया तथा उनसे उनका नाम पता पूछा गया। युवकों के पास एक तलवार, लोहे की जाली तोड़ने की रॉड आदि सामान था। 7 अपराधियों में से एक अपराधी नाबालिग भी उसमें था, जिसके नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 401 25 आंशक का प्रकरण कायम कर थाना मल्हारगंज पर लगातार पूछताछ की गई। कल रात्रि में एडिशनल SP जोन 2 डॉक्टर प्रशांत चौबे की गश्त थी, साथ में CSP मल्हारगंज श्री जयंत राठौर द्वारा और थाना मल्हारगंज के थाना प्रभारी श्री प्रीतम सिंह ठाकुर तथा उनकी टीम द्वारा लगातार 7 आरोपियों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान कई चोरियों के बारे में प्राथमिक रूप से सामने आया है कि आरोपियों द्वारा गैंग बनाकर वो चोरियां की गई हैं। कल रात्रि की पूछताछ में पुलिस को इनके पास से विगत एक हफ्ता पहले थाना मल्हारगंज में अशोक खंडेलवाल के यहाँ चोरी हुई, जिसमें लगभग 13.5 लाख रुपए नकद चोरी गए थे। 6 आरोपियों से 10,38,000 रुपया पुलिस ने बरामद करने में सफलता अर्जित की है। 2.5 लाख रुपया एक आरोपी गौचू उर्फ सुमित के माता पिता के पास है, जो अभी अपने घर से सकूनत से फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पुलिस के द्वारा न केवल एक सनसनीखेज नकबजनी, जिसमें 13,13,500 रुपए गए थे, उसके आरोपियों को पकड़कर 10,48,000 रुपए बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की। साथ ही ये जो नकबजन चोरों की मंडली थी, इसको पकड़ने में सफलता अर्जित की, अन्यथा इस प्रकार की वारदातें लगातार घटित होने की आशंका बनी रहती है। आरोपियों का पुलिस रिमांड लेकर उनसे जो चोरियां उन्होंने अभी प्राथमिक रूप से स्वीकार की हैं, उनके बारे में विस्तृत पूछताछ
और उनके माल मसरूका के बरामद करने की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी टीम को मेरे द्वारा प्रशस्ति पत्र और नगद इनाम से पुरस्कृत किया जा रहा है। एनी क्वेश्चन?